हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं शेयर कर रही हूँ केसर पिस्ता फालूदा की सिंपल और इजी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब फिर हम इसमें डालेंगे मोटी वाली लंबी सेवइयां। अब पानी में बॉईल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे सेवइयां और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ ही में इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी। हल्का पिंक कलर लाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच फूड कलर डालेंगे। ये देखिए, अब सेवइयां पक गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब एक बर्तन में हम 1/2 लीटर दूध गर्म करेंगे। में हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे और इसे पकने देंगे। थोड़ा सा रेड फूड कलर मिलाएंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम चिया सीड्स को पानी में भिगो लेंगे। चिया सीड्स 2-3 मिनट में ही फुल कर डबल हो जाता है। सीड्स की जगह सब्जा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, हमारी सेवइयां भी ठंडी हो गई हैं और ये पूरी अलग अलग हो गई हैं। अब हम फालूदा की लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले 2 चम्मच चिया सीड्स डालेंगे, फिर इसमें 2 चम्मच सेवइयां डालेंगे, आधी कटोरी जो केसर वाला मिल्क हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। हम इससे 1 लेयर जेली क्रिस्टल्स की डाल देंगे। मैंने रेडीमेड जेली क्रिस्टल्स यूज किए हैं, जिसे बस पानी में गर्म करके ठंडा कर लेना है। इसके ऊपर हम 1 स्कूप केसर पिस्ता आइसक्रीम डालेंगे और थोड़ा सा टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। हमारा केसर पिस्ता फालूदा रेडी है। तो था ना ये सबसे सिंपल और इजी फालूदा की रेसिपी। ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें।